कितनी नफरत जहन में है पाले हुए, क्यों अंधेरों के संग संग उजाले हुए। चाबियां हमको बनना था दिल की, मगर क्या हुआ जंग खाए से ताले हुए। अब कुछ तो अपनी पढ़ाई में गड़बड़ है सर, कुछ तो अपनी पढ़ाई में गड़बड़ है सर, इतना पढ़ के भी जहनों में जाले हुए। नमस्कार, सलाम, शिक्षक दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 5 सितंबर यानी आने वाला 5 सितंबर का दिन एक शिक्षक से भारत के राष्ट्रपति तक का सफर तय करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म का दिन है। इस दिन को हम शिक्षक दिवस के तौर पर मनाते हैं। हालांकि हमारे बीच एक बहस हमेशा रही है कि जाति के बंधन तोड़कर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने वाली भारत की प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के तौर पर क्यों नहीं मनाया जाता। सावित्रीबाई जिनके लिए लियाकत जाफरी का यह शेर याद आता है कि मेरे कबीले में तालीम का रिवाज ना था, मेरे कबीले में तालीम का रिवाज ना था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। और सावित्री जो खुद औरतों से कहती थी कि चौका बर्तन से बहुत जरूरी है पढ़ाई, चौका बर्तन से बहुत जरूरी है पढ़ाई, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई। खैर, आज हम बात करेंगे कविता की जबान में आज की शिक्षा की, आज के शिक्षकों की, शिक्षा के बाजारीकरण की, शिक्षा के सांप्रदायिकरण की। दिनों दिन और जाहिल हो रहे हैं, दिनों दिन और जाहिल हो रहे हैं, न जाने क्या पढ़ाया जा रहा है। स्कूलों में शिक्षक दिवस के दिन कबीरदास का यह दोहा खूब दोहराया जाता है, क्या कि गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और यह श्लोक भी खूब याद कराया जाता है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मे श्री गुरुवे नमः। लेकिन बात इतनी सहज और सच्ची नहीं है। हालांकि हम सबके जीवन में गुरु या शिक्षक का योगदान आज भी कम नहीं, लेकिन अजीब विडंबना है कि एक तरफ हमारी शिक्षा, हमारी पढ़ाई या कोर्स बढ़ते जा रहे हैं, हम आधुनिक होने का दावा करते हैं, और दूसरी तरफ हम सांप्रदायिकता और जातिवाद के जाल में और ज्यादा फंसते धंसते नजर आ रहे हैं। एक तरफ सावित्री बाई फुले और राधा कृष्णन जैसे शिक्षक हैं, तो दूसरी तरफ आज हमारे सामने छैल सिंह जैसे शिक्षक भी हैं, जिनकी वजह से एक मासूम दलित छात्र इंद्र मेघवाल को जान गंवानी पड़ती है। सुजीत सहगल हासिल कहते हैं कि तालीम याफ्ता है फिर भी ये चीरा दस्ती, बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि हैं वो जाहिल। इरशाद खान सिकंदर का यह शेर आज की जहालत पर सवाल उठाता है। हुआ है और भी जाहिल पढ़ा लिखा तबका, हुआ है और भी जाहिल पढ़ा लिखा तबका, हुजूर आप तो कहते थे रोशनी होगी। और इसी सिलसिले में याद आती है सैयदा फरहत की नज्म उस्ताद का डंडा। छीन ले हाथ से उस्ताद के डंडा कोई, छीन ले हाथ से उस्ताद के डंडा कोई, बदले डंडे के खिला दे हमें अंडा कोई, अंडा खाने से लहू जिस्म में बढ़ जाता है, चुस्त होता है बदन जहन निखर जाता है, डंडा लेकिन हमें क्या फायदा पहुंचाता है, जिस्म को देता है दुख जहन को उलझाता है। छीन ले हाथ से उस्ताद के डंडा कोई, किस कदर देते हैं दुख हमको ये हाय डंडे, सारी दुनिया से खुदा अब तो मिटा दे डंडे, है वो उस्ताद बुरा जो के जमाए डंडे, है वो शागिर्द भी बुद्ध के जो खाए डंडे, और छीन ले हाथ से उस्ताद के डंडा कोई। हालांकि ये भी सच है जो कैफ अहमद सिद्दीकी कहते हैं, कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं हमारे उस्ताद, कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं हमारे उस्ताद, हमको हर इल्म सिखाते हैं हमारे उस्ताद, तोड़ देते हैं जहालत के अंधेरे का तिलिस्म, इल्म की शम्मा जलाते हैं हमारे उस्ताद। शायर कैसर हयात कहते हैं कि संगे बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, संगे बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया,
शम्मे इल्मो आगही से दिल मुनव्वर कर दिया। फिक्रो फन तहजीबो हिकमत दी शूरो आगही, गमशुदा ने राह को गोया के रहबर कर दिया। अल्ताफ हुसैन हाली भी समझाते हैं, माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत, माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत, है रोक टोक उनकी हक में तुम्हारे नेमत। शेर अपना भी कि कोई अकेला कहाँ शिखर को छुपाता है, कोई अकेला कहाँ शिखर को छुपाता है, इसमें माँ बाबा की भी मेहनत होती है। जी हाँ, शिक्षक कोई भी हो सकता है, केवल स्कूल कॉलेज के ही अध्यापक नहीं, घर में माँ बाप भी बच्चे के पहले शिक्षक कहे जाते हैं, खास तौर से माँ। इसके अलावा हर वो शख्स जिससे कभी आपने हमने एक भी लफ्ज सीखा है, वो हमारा उस्ताद है, हमारा गुरु है। लेकिन सबके लिए एक शर्त है, किसी ने कहा है कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। तो सदाकत यानी सच्चाई बहुत जरूरी है। गुरु घंटाल के जमाने में अच्छा गुरु मिलना या होना मुश्किल है, हालांकि इसी तरह अच्छा शिष्य या छात्र होना भी मुश्किल है। चकबस्त का शेर है कि अदब तालीम का जौहर है जेवर है जवानी का, अदब तालीम का जौहर है जेवर है जवानी का, वही शागिर्द हैं जो खिदमत उस्ताद करते हैं। लाला माधव राम जौहर इससे आगे बढ़कर कहते हैं कि वही शागिर्द फिर हो जाते हैं उस्ताद ए जौहर, वही शागिर्द फिर हो जाते हैं उस्ताद ए जौहर, जो अपने जानो दिल से खिदमत उस्ताद करते हैं। और हम जैसे जो इल्मो अदब के शैदाई हैं, शायरी से जुड़ाव रखते हैं, साहित्य के विद्यार्थी हैं, उनके लिए राशिक कह गए हैं कि शागिर्द हैं हम मीर से उस्ताद के राशिक, शागिर्द हैं हम मीर से उस्ताद के राशिक, उस्तादों का उस्ताद है उस्ताद हमारा। देखा न कोहकन कोई फराद के बगैर, आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। मुनीर भी कहते हैं कि उस्ताद के एहसान का कर शुक्र मुनीराज, कि अहले सुखन ने तेरी तारीफ बड़ी बात। और गालिब का तो शेर है ही कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले जमाने में कोई मीर भी था। जॉन का अंदाज तो निराला है, सारी दलीलें भी हाजिर हैं और सारी तरकीबें भी, और तुम्हें क्या चाहिए यारो, हासिल मेरी दाद भी है। और जॉन जुदा तो रहना होगा तुझको अपने यारों बीच, जॉन जुदा तो रहना होगा तुझको अपने यारों बीच, यार ही तू यारों का नहीं है, यारों का उस्ताद भी है। और अंत में यही इल्तिजा, यही निवेदन हर शिक्षक और हर छात्र से कि इतने अपढ़ ना रहना साथी कि पढ़ ही ना सको कबूतर और बहेलिए की कहानी, देख ही ना सको दानों के नीचे बिछे जाल को, और इतना भी ना पढ़ जाना कि ये तक भूल जाओ कि तुम्हारे नाम का एक मतलब मनुष्य है। तो दोस्तों, दोहराएं अपना वही मशहूर नारा, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। शुक्रिया, सलाम।